टेंसर अलजेब्रा 22nd वीडियो 22वां वीडियो है और इसमें अब हम शुरू कर रहे हैं रीमान मैट्रिक एंड फंडामेंटल टेंसर्स। इसका ये पहला वीडियो। तो सबसे पहले आपको हम मैट्रिक बताएं, हाँ बेस क्लियर करें, फिर रीमान मैट्रिक बताएं। मैट्रिक और इसे लाइन एलिमेंट भी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक और लाइन एलिमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक और लाइन एलिमेंट। पहले आपको हम बेसिक आइडिया देंगे मैट्रिक इन यूक्लिडियन स्पेस और फिर उसके बाद बारी है मैट्रिक इन रिमानियन स्पेस जिसको रिमान मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक इन यूक्लिडियन स्पेस थ्री डायमेंशनल स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस में भी मैट्रिक दो प्रकार की होती है, एक कार्टेशियन मैट्रिक एक पोलर मैट्रिक। कार्टेशियन मैट्रिक लेट या ऐसे लिखे द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट्स एक्स वाई जेड एंड एक्स प्लस डी एक्स y plus dy z plus dz is given by distance formula three dimensional geometry में आप पढ़े हुए हैं। ds से denote कर रहे हैं क्योंकि adjacent points के बीच का distance है, इसको ds से denote किया जाता है। यहाँ पे इतना और लिख दिया जाए ना, notes जब लिखा है तो it is denoted by डी स्मॉल एस। अब यहां ये अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर, यानी कि ठीक x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इसमें x कैंसिल हो जाएगा, इसमें y कैंसिल हो जाएगा, इसमें z कैंसिल हो जाएगा और इधर है स्क्वायर करके इसको लिख दें, इतना बड़ा रेडिकल का चिन्ह नहीं लगाना पड़ेगा। डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। This is the formula for metric in three-dimensional Cartesian coordinate system. इसको Cartesian metric कहते हैं। अब इसे ध्यान रखना है हमेशा आपको। आप जानते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो अब आप जान गए, इसको हमेशा याद रखना।
इसी से हम पोलर में ट्रिक निकालेंगे, इसी को हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे। बी पोलर मेट्रिक, अब ये दो प्रकार का होता है, सिलिंड्रिकल पोलर मेट्रिक यानी मेट्रिक इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्री डायमेंशन, और दूसरा स्फेरिकल पोलर मेट्रिक, स्फेरिकल पोलर मेट्रिक यानी मेट्रिक इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इन थ्री डायमेंशंस। वन बाय वन आइए देखें, पहला सिलिंड्रिकल पोलर मेट्रिक, सिलिंड्रिकल पोलर मेट्रिक यानी कि मेट्रिक इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऐसा, चूंकि वो जो कार्टेशियन मैट्रिक हम निकाले थे ना उसी को इसमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हमको मालूम होना चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, z इक्वल टू z, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में ये रिलेशन होता है। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, दीज आर रिलेशंस बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स between cartesian coordinates x y z and cylindrical polar coordinates, cylindrical polar coordinates r theta z, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जेड, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, इनके बारे में डिटेल जानकारी यदि चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके आखिर के दो वीडियोस में है ये सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, इस प्लेलिस्ट के आखिर के दो वीडियो में सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिटेल दिया हुआ है, आप वहां से देख लें। तो चलिए अब dx निकालें, dy निकालें, dz निकालें। नाउ dx इक्वल टू, दो वेरिएबल का फंक्शन है, dr इंटू कॉस थीटा माइनस r साइन थीटा d थीटा, ये समझ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेरिएबल dr, सेकंड जो कहते हो प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस साइन थीटा, तो जाएगा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, एंड डी वाई इक्वल टू ऐसे डी वाई करिए, डी आर इंटू साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, देयरफॉर dx square
प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा डी आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा डी आर प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा होल स्क्वायर और प्लस डी जेड स्क्वायर। जेड में तो कोई चेंज होना नहीं, जेड इक्वल टू जेड। ए प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते ही हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो पहली संख्या का स्क्वायर इसका, इसका एक साथ लिया जाए तो उसमें डी आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी आर स्क्वायर। फिर सेकंड का स्क्वायर जब करोगे तो उसमें आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर कॉमन होगा, तो प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। और टू ए बी वाला टर्म देखो कट जाएगा, हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ माइनस टू आर साइन थीटा कॉस थीटा डी आर, और इसमें आएगा प्लस टू आर साइन थीटा कॉस थीटा डी आर, ये कैंसिल हो गया। इंप्लाइज दैट इसकी जगह पे क्या लिख दें, डी एस स्क्वायर, और इधर आ गया डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। यही है सिलिंड्रिकल पोलर मैट्रिक, दैट इज मैट्रिक इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जेड। अब सेकंड, स्फेरिकल पोलर मैट्रिक, दैट इज मैट्रिक इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वही जो कार्टेशियन मैट्रिक है इसी को हम चेंज करेंगे स्फेरिकल पोलर सिस्टम में। तो कार्टेशियन सिस्टम और स्फेरिकल पोलर सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको ट्रांसफॉर्मेशन यानी रिलेशंस मालूम होना चाहिए। एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, यही होता है। दीज आर रिलेशंस These are relations between Cartesian coordinates x, y, z and spherical polar coordinates आर थीटा फाई।
आर जीरो से पाई वेरी करता है, फाई जीरो से टू पाई वेरी करता है, थीटा लॉन्गिट्यूड और फाई लेटिट्यूड बताता है। डिटेल चाहिए तो मैंने कहा ना, आप मेरा प्लेलिस्ट है सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके आखिर के दो वीडियो देख लीजिए। अब वही से डी एक्स डी वाई डी जेड निकाल करके स्क्वायर करके जुड़िए। थोड़ा सा काम भारी है क्योंकि पिछली बार केवल आर कॉस थीटा लिखा था, यहाँ पे आर भी है, थीटा भी है, फाई भी है। ठीक, नाउ मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर से लिखूँ ना, नीचे उतने में आएगा नहीं, मेरा काम होगा ना, फिर आधा रिजल्ट फंस जाएगा, मिटाना पड़ेगा। ऊपर से लिखते हैं इसको, इन रिलेशंस को भी मैं नीचे यहाँ लिख ले रहा हूँ। एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। बस अब चलिए शुरू करिए। नाउ डी एक्स इक्वल टू डी आर साइन थीटा कॉस फाई फिर अब थीटा के रिस्पेक्ट में करिए प्लस आर कॉस थीटा कॉस फाई डी थीटा, फिर फाई के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई डी फाई। आइए डी वाई देख रहे हैं, डी वाई इक्वल टू वैसे ही डी आर साइन थीटा साइन फाई, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई डी थीटा, फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई डी फाई एंड डी जेड इक्वल टू डी जेड में तो दो ही वेरिएबल है, फाई है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, इससे काम हल्का हो जाएगा। डी आर इंटू कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, या देयरफॉर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, क्यों मैं इसको लिखूं ना, वैसे सब लिखा ही तो आपके पास। और देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जैसा ही सब में आएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जैसा ना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस टू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस टू थर्ड इंटू फर्स्ट। बस इसी को ध्यान में रखते हुए स्क्वायर करके जोड़िए। तो कॉलम वाइज काम करें, पहले हम डी आर स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक, तो डी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी आर स्क्वायर। अब सेकेंड कॉलम स्क्वायर करोगे, देखो आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर कॉमन होगा, तो ये हो गया प्लस आर स्क्वायर, इधर से कॉमन ले लिए, डी थीटा स्क्वायर उधर से कॉमन लिख देंगे, अच्छा लगेगा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और प्लस आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा स्क्वायर। अब तीसरे कॉलम में तो इसमें कुछ है ही नहीं, वही दोनों है,
आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, डी फाई होल स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा भी तो कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचा कितना, साइन स्क्वायर फाई यहाँ बचा प्लस कॉस स्क्वायर फाई यहाँ बचा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी फाई होल स्क्वायर। अब 2ab 2bc 2ca सब कट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन लिख दिया जाए एक बार, लिख दिया जाए एक बार, लिखने में क्या जाता है, पहला गुण है दूसरे का दूना हम पेयरिंग करने जा रहे हैं, दिस इंटू दिस का ट्वाइस, देखो क्या क्या कॉमन होगा, बस कुछ कॉमन नहीं होगा, इसको ऐसे लिखा जाए प्लस ट्वाइस, कॉमन कहाँ होगा, आर टू आर दिस इंटू दिस कर रहे हैं, फिर दूना कर दिए, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक, ये अब आइए इसमें, टू आर साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसमें माइनस आएगा, माइनस टू आर हटाई लिए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी आर डी थीटा या डी थीटा डी आर जो भी लिख दो, डी थीटा डी आर प्लस पहला इंटू दूसरा, ये टू ए बी हो गया, अब दूसरा गुणा तीसरे का दूना, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस का ट्वाइस ना, दिस इंटू दिस करोगे तो आर स्क्वायर होएगा, तो टू आर स्क्वायर इंटू निगेटिव बनाने दिए हैं, निगेटिव अंदर लिख देंगे, माइनस लिखिए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, दिस इंटू दिस का दूना करेंगे तो फिर वही आर स्क्वायर कॉमन, टू आर स्क्वायर लिख दिए, पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, दूसरा इंटू तीसरा का इसमें कोई हिसाब ही नहीं, तीसरा ही नहीं, तो ये बंद कर दिया और डी थीटा डी फाई और लिख दिया, एक टर्म और बच्चा, फर्स्ट इंटू थर्ड का दूना, माइनस माइनस नहीं लिख रहा, टू आर, टू आर इंटू वही दिस इंटू दिस, ध्यान से देखिएगा, साइन फाई कॉस फाई साइन स्क्वायर थीटा और माइनस भी, साइन फाई कॉस फाई साइन स्क्वायर थीटा, फिर दिस इंटू दिस का ट्वाइस पॉजिटिव आएगा, टू आर बाहर कर लिया हूं, साइन फाई कॉस फाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन फाई कॉस फाई साइन स्क्वायर थीटा और डी आर डी फाई, ये हो गया, इसमें पहला इंटू तीसरा का कोई चांस ही नहीं है, तो आप देखो जरा गौर से, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो इसमें बचेगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यानी कुल मिला के आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और वो इससे कट जाएगा, ये क्लियर कट कट रहा है, कट जा रहा है, इसमें क्लियर कट कट जा रहा है, तो ये भी क्लियर कट कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, ये जुड़ने के बाद कैंसिल हो गया, ठीक, तो अब हम फिर ऊपर जा रहे हैं लिखने, क्योंकि नीचे जगह नहीं रहा,
इसकी जगह पे लिख दे रहे हैं डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू इसे इसे जोड़िए, इन दोनों का सम कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे वही तो बचेगा, अंदर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी आर स्क्वायर। फिर इन दोनों का सम क्या होगा, प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव से गुणा यानी वन से गुणा यानी सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और साइन स्क्वायर थीटा में ऐड हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद डी थीटा स्क्वायर, ये सीधा सीधा बने प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर, बकिया सब जीरो हो गए, बस आ गया। एक स्टेप और लिख दीजिए, दैट इज डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर, यही है स्फेरिकल पोलर मेट्रिक, दैट इज मेट्रिक इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई। आप में से बहुत लोग इस फार्मूले को जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, जो जानने वाले लोग हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेरिवेशन जानते होंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डेरिवेशन नहीं जानते होंगे, तो मैंने आपको आज डेरिवेशन बता दिया, कार्टेशियन मेट्रिक से पोलर मेट्रिक निकाल दिया, सिलिंड्रिकल पोलर मेट्रिक स्फेरिकल पोलर मेट्रिक, ये सारे फार्मूले आपको याद रखने होंगे क्योंकि अभी हम अगले वीडियो में घुसेंगे रिमानियन स्पेस में, वहाँ मेट्रिक डिज़ाइन किया जाएगा ठीक, और फिर उसकी मदद से इसमें हम कुछ करेंगे, ये जो मैट्रिक कार्ड निकली है इसमें। वीडियो लाइक करिए, इस वीडियो में बस इतना ही, ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया मैट्रिक का, बिल्कुल बेसिक आइडिया दिया और आज के बाद आप मैट्रिक के बारे में बिल्कुल आश्वस्त होना चाहिए कि आप जान गए। थैंक यू।